और जो मिल गई वाली आईडी चल रही है, इस आईडी का नाम है मोहम्मद हमाद यानी, और ये मैं पता नहीं कितने साल, एक दो साल से जो है वो मैं इसकी आईडी के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूं। इसके अंदर मैं जाके अगर मैं आपको पेआउट्स दिखाऊं तो मेरी तमाम चीजें, तमाम पेआउट्स, तमाम चीजें जो है वो यहीं पे पड़ी है। मैं अकाउंट सेटिंग में जाता हूं, अकाउंट सेटिंग के बाद मैं यहां पे पेआउट्स में जाता हूं, तो यहां पे आपको ये जितने भी पेआउट्स शो हो रहे हैं ये सारे भरे इसकी आईडी के अंदर। ये मोहम्मद हमाद के नीचे जो ढेर लगी हुई है, उसके बाद मल्टीपल नामों पे बने हुए हैं ये सारे यहां पे पड़े हैं। उसके बाद में यहां पे अगर फॉर एग्जांपल यहां पे फॉर एग्जांपल ये कुछ पेआउट्स पड़े हुए हैं। अब इसमें 10 अकाउंट हैं और 10 अकाउंट में डिफरेंट पेआउट्स पड़े हुए हैं। यहां पे भी कुछ पड़े हुए हैं, बाद नीचे भी अफॉर्डेबल ये पेज है जो कि 3 महीने से कंटीन्यूअस पैसे दे रहा है। अब ये एक सिंगल पेज है, मैं अगर आपको अर्निंग्स में भी जा देता हूं ये फंड प्लस 34 मूव, ये 3 महीने से कंटीन्यूअस पैसे भेज रहा है, दे रहा है। इसमें ने भी बीच में काम इस पे रोक दिया था, दोबारा से स्टार्ट करेंगे। पेस्टिंग ग्रीन है और इसके ऊपर मूविंग लगा रहे हैं। तो यहां पे अभी ये हमारा पेआउट्स जो है वो पेआउट्स का सेक्शन है जिसमें हम आगे जाएंगे और पेज मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। मतलब मैं एक आईडी पे कितनी आईडीज बना सकते हैं आप, वो एमुलेटर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी? एमुलेटर की आपको फिर भी जरूरत पड़ेगी, लोकेशन वेरीफाई करने के लिए आपको एमुलेटर की फिर भी जरूरत पड़ेगी। अब 21 दिन के बाद आपको फेसबुक कहता है कि पेज पब्लिशिंग ऑथराइजेशन कंप्लीट करो। अब यहां पे जो हम यूज कर रहे हैं, सम टाइम्स पहला स्टेप ये होता है कि फेसबुक कहता है कि टू फैक्टर ऑन करो। कुछ कंट्रीज में पेज पब्लिशिंग ऑथराइजेशन टू फैक्टर ऑन करने के साथ हो जाती है, जैसे पाकिस्तान में हम टू फैक्टर ऑन करते हैं हमारी पेज पब्लिशिंग ऑथराइजेशन कंप्लीट हो जाती है, वैसे ही नेदरलैंड में भी इस तरह टू फैक्टर करने के साथ पेज पब्लिशिंग ऑथराइजेशन कंप्लीट हो जाती है। लेकिन एक केस में जाकर जब आप ज्यादा पेज डाल देते हो तो फेसबुक कहता है कि लोकेशन कंफर्म करो। तो हमारे पास यहां भी फॉर एग्जांपल आरटीपी में ही हमारे पास ये ब्लू स्टैक मिलता है, ब्लू स्टैक एक्स, ये एमुलेटर है जिसको आप यूज करते हो और इसके अंदर फेसबुक ऐप होती है, उसके अंदर अगर आप आईडी लॉगिन करो तो आपका वो मसला भी सॉल्व हो जाता है। आपने एक आईडी बना ली, अब आप फॉरन ही दूसरी बनाने की ट्राई करोगे तो ये ठीक नहीं है। दो दिन के बाद फिर दूसरी बना ली, तीन दिन फैल के फिर भी बना ली, तो ऐसे आप जितनी बनी। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब पेज को अप्लाई करना हो, वाशरूम पूरा हो, फॉरवर्ड्स पूरे हो, एक्टिविटीज लगी हो, एक्टिविटीज का मैं आपको बता दूं कि एक्टिविटीज जो है आपकी खुद की वीडियोस होती हैं जो आप मोबाइल फोन से शूट करते हो एक एक मिनट की, और जिस वीडियो से वाशरूम पूरा होता है उस वीडियो को डिलीट कर देते हो, एक्टिविटीज अपलोड करते हो, उस पेज को मोनेटाइजेशन करते हो। एक्टिविटीज में जब आपने मोनेटाइजेशन के लिए पेज को अप्लाई करना है तो पेज जाना है आपका रिव्यू में, और जब पेज रिव्यू में जाएगा तो फेसबुक का बॉट क्या देखेगा, फेसबुक का बॉट आपकी एक्टिविटीज देखेगा, एक्टिविटीज में क्या चीज है, कोई रियल बंदा है, कोई रियल आवाज है, तो इस चीज के बेसिस के ऊपर अब बॉट जो पेज को प्रूफ करता है। तो आपने एक्टिविटीज के अंदर अपनी वीडियोज लगानी है खुद की, एक एक मिनट की बना के, इसमें आपका फेस आ रहा हो या फिर कोई बंदे आ रहे हो और वो आपने एक्टिविटीज में 5 लगानी। जब आपका ये क्राइटेरिया पूरा हो जाता है तो आपके पास सेटअप के ऊपर इस तरह का सेटअप शो करवाना, जब अप्रूव हो जाता है तो फिर थोड़ा व्यू आ रहा है। अब पेज को अप्लाई कैसे करना है उसके लिए भी मैं आपको दे दूंगा। दो कम से कम हो, एक बैकअप के ऊपर दो बार की हो, हाँ बैकअप के ऊपर भी कोई ना कोई आईडी लाजमी रखनी है ताकि एक आईडी को अगर मसला है
दूसरी आईडी से। अब जब आप सेटअप करते हो तो सेम वैसा ही सीन होगा जैसे मैं अभी इसको सेटअप करने लगा हूं, आपसे वो आगे जाकर पूछेगा कि भाई पे आउट अकाउंट दो, क्योंकि मेन चीज जब आप इसको अप्लाई करते हो तो वो है पे आउट अकाउंट। यहां पर सेटअप पे आउट अकाउंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब जैसे ही आप उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट्स को सेटअप करोगे आपके पास ये इस तरह का पेज खुलेगा जिसमें फेसबुक का यू कैन ऐड अ पेपल और बैंक अकाउंट टू एसोसिएट विद दिस पेज, यू मे नीड योर टैक्स इन्फो राउटिंग एंड बैंक अकाउंट नंबर्स फॉर सेटअप। अब फेसबुक कहता है आपको पेपल चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए जो आपने इस पेज से एसोसिएट करना है, आपको टैक्स आईडी नंबर भी चाहिए होता है, आपको राउटिंग नंबर और बैंक अकाउंट भी चाहिए होता है। अब यहां पे अगर आपके पास कोई बाहर का बैंक अकाउंट नहीं है तो आप टेंपरेरी पेपल भी बना सकते हो, आप टेंपरेरी वाइज भी बना सकते हो। ट्रांसफर वाइज का पर्सनल अकाउंट 100% वर्किंग है क्योंकि 21 तारीख को पेमेंट हुई थी, कल हमारे पर्सनल ट्रांसफर में आई है। तो पर्सनल ट्रांसफर पाकिस्तान में बैठ के आप में से सारे बंदे बना सकते हैं, कंपनी की जरूरत नहीं है। उसका सेशन कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ हमने ट्रांसफर की वेबसाइट से या ऐप से जाके हमने वही जो आईडी कार्ड मांगेगा वही जो नंबर मांगेगा वो देखे, हमने ऐसा पाकिस्तानी ट्रांसफर का अकाउंट बनाना है, उसमें 3250 रुपए की ट्रांजेक्शन कर। तो उसके बाद जब ये बन जाता है तो आपको इनसाइड द यूएस आउटसाइड द यूएस बैंक अकाउंट मिल जाते हैं, और वो हमारे पास मोहम्मद भाई कह रहे हैं कि मैं बता दूंगा, कोई इतना मसला नहीं है क्योंकि आप ट्राई करें, बहुत आसान है, बहुत इजी है, कोई इसमें टेक्निकल चीज होती तो मैं आगे उसको कि जो फाइल है मेरे दो दोस्तों ने लगाया था, मेरी पूछा नहीं, जेब में नहीं है मेरे, उसके फाइल में पैसे आए कि नहीं आए उसके बाद ट्रांसफर उसके बाद पेपाल आता है। पेपाल जो है वो हम टेंपरेरी मार्केट में जितने भी लोग पेजेस शेयर करते हैं पेजेस बेचते हैं वो टेंपरेरी पेपाल का यूज करते हैं, और टेंपरेरी पेपाल भी इजीली बन सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने बनाया हुआ है, ये नेदरलैंड का पेपाल है मोहम्मद हमाद कैनी के नाम पे, ये हमेशा आपका बिजनेस अकाउंट बनता है। इसको भी आप टू फैक्टर ऐप से लगा सकते हो, क्योंकि पेपाल है जो कि हमाद कैनी के नाम बना हुआ है और ये बिजनेस पेपाल है, तो आप बिजनेस पेपाल आरटीपी के अंदर से जाके बना सकते हो और इसके अंदर आप ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो। जैसे मैंने भी एक छोटी ट्रांजैक्शन करके ट्राई मारी थी कि क्या इस पेपाल के अंदर मैं पैसे रिसीव कर सकता हूँ, तो मैंने इस पेपाल के अंदर पैसे भी रिसीव किए थे ट्रांजैक्शन में, अगर हम लेकिन आप ना करना, मैं ट्राई मारा था, आपको समटाइम्स वो वेरिफिकेशन को भेज सकता है। और नंबर किस कंट्री का लगाना है इसमें? नंबर पाकिस्तान का लगता है, बिजनेस पेपाल जब आप बनाते हो तो आपका पाकिस्तान नंबर लग जाता है। अब पेमेंट आई थी मेटा प्लेटफॉर्म आइलैंड से, इतने आए थे, उसके बाद मैंने ट्रांसफर किए अपने दोस्त को पेपाल के अंदर,
बैंक में यहाँ से ट्रांसफर नहीं किए, बैंक से ट्रांसफर करता यहाँ से, तो शायद मुझसे वेरिफिकेशन मांग लेता कि भाई हमारा क्या नहीं, डिटेल दो अपना, नेदरलैंड का आईडी कार्ड दो, ये सारी चीजें दो। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पेपाल से अपने दोस्त के पेपाल के अंदर ट्रांसफर किए। अब मेरे दोस्त का पेपाल तो लीगली वेरीफाइड है, तो वहां से उसने मुझे मेरे बैंक अकाउंट में भेज दिया। ये छोटी और इस फैमिली में आज तक कभी भी किसी के साथ भी किसी दूसरे ने एक रुपए का भी स्पेंड नहीं किया। ये ट्रस्ट की बेस के ऊपर हम तो लाख लाख डॉलर उम्रे में जा रहा था रमजान में, कहता मैं आपका भी अगवाता हूँ, जैसे मैं आ रहा हूँ वैसे आप मिल लेंगे। लेकिन रमजान में वो जरा सिचुएशन ऐसी थी, किस्मत में नहीं था तो मैं जा नहीं सका। तो इस तरह के जो है वो दोस्त हैं, और इस तरह के दोस्त आपको भी मिल सकते हैं इसी फेसबुक के ऊपर, इसी कम्युनिटी के अंदर। और ये दोस्त जो है वो बड़ा काम आता है, और यही इसी चीज के ऊपर हमारा जो तीसरा आखिरी सेक्शन होता है उसी चीज के होता है। सक्सेस स्टोरी, सबकी क्या सक्सेस स्टोरीज हैं, क्या केस पेजेस की क्या केस स्टडीज हैं जो कि कामयाब पेजेस जो कि सक्सेसफुल हुए। ये पेज अगर सक्सेसफुल हुआ है, सामने बोलते हैं कि ये पेज सक्सेसफुल क्यों हुआ, क्या लगाया था, कितने पैसे बनाए, और इसलिए को मोटिवेशन। सुलेमान भाई को बुलाएंगे, अभी भाई को बुलाएंगे, जो जो पाकिस्तान में उमर है, लुकमान है, उसामा है, इलाज भी एक सक्सेस स्टोरी है, लेकिन वो मेंटोर वाली सक्सेस स्टोरी है। वो डॉलर से वो आप कह लो एक ब्रस इंस्पायर नहीं हुआ था, वो ट्रेनिंग से इंस्पायर हुआ था, तो ट्रेनिंग उसमें तो फिजाज को भी इनवाइट कर लेंगे। उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, और इस दफ़ा थोड़ा चेंज करेंगे। पिछली दफ़ा प्रोग्राम पिछली दफा करानी करेंगे, इस दफा थोड़ा चेंज करके मेटा डे कोई इस तरह का करके। आपकी लगता है वो वीडियो बड़ी वायरल हुई जिसमें चार बंदे आप कह रहे थे एजाज खान को बताया, काफी वायरल तो हुई थी। और बस अच्छा पेज को जो है वो मराठा जैसे लाइक नेक्स्ट। अब यहाँ पे फेसबुक हमसे दो ऑप्शन पूछता है, क्रिएट न्यू पे अकाउंट या यूज एग्जिस्टिंग अकाउंट। पेआउट अकाउंट इज अ वॉलेट, एक वॉलेट जिसके अंदर पैसे आते हैं, उस वॉलेट के साथ बैंक अकाउंट अटैच होता है, और वो पैसे आपके बैंक अकाउंट के अंदर आते हैं। तो जैसे YouTube के ऊपर एडसेंस होता है, एक एडसेंस के साथ मल्टीपल YouTube के चैनल आप अटैच कर सकते हो, वैसे ही Facebook के ऊपर पेआउट होता है, और एक पेआउट के साथ मल्टीपल पेजेस को अटैच कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ रही, टू यूज एग्जिस्टिंग पेआउट अकाउंट, क्रिएट न्यू पेआउट अकाउंट। अब यूज एग्जिस्टिंग पेआउट अकाउंट, अगर ये पेज मैंने खुद यूज करना होगा, फॉर एग्जांपल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, अगर किसी बंदे ने ये पेज खुद यूज करना होगा तो उसके पास पेआउट पहले से पड़े हैं, वो उसके अंदर डाल के खुद यूज कर लेगा। लेकिन अगर किसी ने पेज बेचना होगा तो हमेशा उसका न्यू पेआउट बनेगा, क्योंकि जब आप पेज बेचते हो तो साथ में आप पेआउट अकाउंट भी देते हो। अब उस पेआउट अकाउंट के अंदर अगर आपका कोई पहले से पेज पड़ा हो तो उसकी भी एक्सेस आपको देनी पड़ती है। तो हम यहाँ पे क्रिएट न्यू पेआउट अकाउंट में जाते हैं, उसको नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे पूछता है कंट्री, अब यहाँ पे आरडीपी नेदरलैंड की है, अकाउंट जो है ये यूके का, अकाउंट यूके का क्यों है, क्योंकि मेरा हमजा कजन, आप लोग यहाँ पे नहीं थे, वो अभी रिसेंटली यूके गया, तो यूके जो है उसने सारा सेटअप लगाया कंपनी का, और हमारे उधर पीसी वगैरह रखे हैं, तो अब ये अकाउंट यूके में भी लॉगिन है, तो इसको हम एज अ यूके अकाउंट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हम कंट्री जो है वो यूनाइटेड किंगडम
कर लेंगे। ये उसका बिजनेस टाइप हमारा बिजनेस है या इंडिविजुअल है? अगर हमारे पास एलएलसी कंपनी है यहाँ पे मसला नहीं आता। मसला यही आता है कि आपका जो जो आईडी है, अगर आरडीपी की लोकेशन, आपकी आईडी की लोकेशन, आपके पीओ की लोकेशन, तीनों एलिजिबल कंट्रीज डिफरेंट हो सकते हैं, देन की भी आपकी लोकेशन डिफरेंट हो सकती है। भी देखना अब यूके का जिनके पास ये नहीं है वो क्या करें। पेपाल ने बात की है टेंपरेरी पेपाल, आप paypal.com जाओ आरडीपी के थ्रू, उसमें बिजनेस पेपाल बनाना सिखाओ। बना अब यहाँ पे जवाब है हमारे पास जो पैनल वाली आरडीपी पेपाल उसका भी सेशन जो है वो कहते हैं। अगर नहीं समझ में आएगी आपको तो विवाद है वो बड़ा इन चीजों को समझता तो वो आप बता देगा कि कैसे जो हो गया। अरे यहाँ पे जो लोकेशन लगाई है आपने बैंक अकाउंट की लोकेशन लगानी है कि फेसबुक की अकाउंट की लोकेशन? अभी हमने पेआउट अकाउंट की लोकेशन लगानी है कि हम पेआउट अकाउंट कौन सी कंट्री का बना रहे हैं। यहाँ पे हम कोई कंट्री दे सकते हैं जो भी एलिजिबल हो। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपने मोहम्मद हमाद कहने के नाम से भी डाटा फिल कर रहा हूँ। अभी हम स्टेप वन पे, अभी हम सेटअप पे आउट अकाउंट में अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बैंक अकाउंट हमारा जाके आएगा स्टेप थ्री है। स्टेप थ्री पे हमने अपना बैंक अकाउंट देना। कभी स्टेप वन पे अच्छा, स्टेप वन पे आप एक दो बार फिल कर लोगे तो बाद में ये चीजें आप सेव कर लेगा। अब यहाँ पे नाम आगे मोहम्मद अहमद के लिए बिजनेस एड्रेस में ये एड्रेस था जो के आप गूगल के ऊपर जाते हो और गूगल के ऊपर जाकर आप सर्च करते हो प्रॉपर्टीज फॉर सेल, प्रॉपर्टीज फॉर सेल इन यूके, आपको बेशुमार प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं और बेशुमार एड्रेस मिल जाते हैं। और ये ऐसे एड्रेस होते हैं जिनके ऊपर हमारा जो तजर्बा है पेज बिल्ड करने का। तो आप जो है वो यूके का कोई भी एड्रेस उठा लो, एड्रेस यहाँ पे डाल के हमने यहाँ पे हमने इंग्लैंड डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे फोन नंबर में अभी पाकिस्तान डाला 334-790-7002। उसके बाद हमने कर दिया नेक्स्ट भाई के घर का भी एड्रेस डाल सकते हैं। यस यस यस, ये सारी डिटेल जो है ये अभी आपको आगे जाकर समझ में आएंगी कि एज अ फॉर्मेलिटी है, एज अ फॉर्मेलिटी है। और फेसबुक आपके सामने मुझे यूएस के अंदर, यूके के अंदर टैक्स वेरीफाइड शो करेगा, वो कहेगा योर इंफॉर्मेशन इज वेरीफाइड, आप यूके के अंदर टैक्स वेरीफाइड हो, हम आपको जो वो पैसे जैसे $100 होगा वैसे भेज देंगे। तो सिर्फ फेसबुक के पास यूएस की इंफॉर्मेशन है, बाकी दुनिया के किसी मुल्क की इंफॉर्मेशन नहीं है। ये आपको अगर बात समझ में आ जाए कि सिर्फ यूएस का SSN के ऊपर वो बंदे को ट्रैक कर लेता है, बाकी यूके गवर्नमेंट अपने बंदों का डाटा नहीं देती फेसबुक को। फेसबुक मांगता है, यूके गवर्नमेंट कहती है भाग्य नहीं देती। तो यही जो है चीजें हैं जो हमें फायदा दे जाती हैं, हम पाकिस्तान में बैठे ठीक ठाक काम कर सकते हैं। अभी हमने नेक्स्ट किया यहाँ पे हमारे पास डेट ऑफ बर्थ पूछता है, उसके बाद हमारे पास होम एड्रेस पूछता है, ये भी हमारा सेम एज इट इज वही है। उसके बाद हम हमसे पूछता है ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस भी आप कल एक होम एड्रेस कितनी दफा एक आईडी से जितनी मर्जी दफा ईमेल कोई भी लगा सकते हैं। ईमेल जो है वो आप एक आईडी से कोई भी ईमेल बार बार लगा सकते हो। अब ये सारी डिटेल्स बैंक की, ये सारी डिटेल्स ये अभी पे आउट के अंदर जब जाएंगे ना, पे आउट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको आशा सब क्लियर होंगी कि एक डिटेल्स कितने पेआउट्स पर यूज कर सकते हैं। फॉर जो हमने इसको नेक्स्ट कर दिया मार्किंग जो पोस्टल कोड है तो वो आप कहेंगे कहाँ कर गए आप यू जब गूगल के ऊपर एड्रेस सर्च करोगे तो उस एड्रेस में आपको पोस्टल कोड भी मिलेगा ऑटोमेटिकली आपको। अब यहाँ पे फेसबुक आता है मैनुअली लिंक बैंक अकाउंट, यहाँ पे तो किसी भी कंट्री का बैंक अकाउंट जो है वो लिंक कर सकता हूँ। उसके बाद अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक ये पेपाल का अकाउंट है जो मैंने टेंपरेरी बनाया हुआ, तो इसको मैं यूज पेपाल करके जो ऑटोमेटिकली मुझे पेपाल की वेबसाइट पे ले जाएगा, इधर मुझे कहेगा लॉगिन करो, लॉगिन करूंगा तो ये सम्मत भाई का पेपाल है,
जो कि यहाँ पे बैक करना होगा। और ये यू आर लिंकिंग पेपाल, थैंक्स फॉर लिंकिंग योर पेपाल अकाउंट, ये हमने बैंक अटैच कर दिया। उसके बाद वेरीफाई योर टैक्स इंफॉर्मेशन, ये फेसबुक ने डाला था, हम परेशान हो गए कैसे टैक्स इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे, हम यूके में तो रहते नहीं है, हम जर्मनी में तो रहते नहीं है, हम सऊदी में तो रहते नहीं है, हम दुबई में तो रहते नहीं है, तो किसी भी कंट्री का डाटा नहीं फेसबुक के पास, आप कुछ भी उसको दोगे वो मान लेगा, ओके का ठीक है आप ठीक कह रहे हो, आप जो है अब वेरीफाई योर टैक्स इंफॉर्मेशन भी आपके सामने ही है, वेरीफाई टैक्स इंफॉर्मेशन, यहां पे अब वो सिंपली पूछ रहा है आर यू अ यूएस सिटीजन, यूएस परमानेंट रेजिडेंट, ग्रीन कार्ड होल्डर और अदर यूएस रेजिडेंट एलियन, तो हम नहीं है, सीधी बात है, सच्ची बात है, हम नहीं है। उसके बाद आर यू एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी एजेंट और अदर पर्सन रिसीविंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन और एज फॉलो थ्रू एंटिटी, हम ये भी नहीं है, दोनों चीजें हमने नो कर देनी है। नो के बाद हमने नेक्स्ट करना पूछ रहा है कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, तो ये हमारे पास यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद आई हैव अ नॉन यूएस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब उसको बताने के मेरे पास यूएस का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, तो यहां भी आप अपने आईडी कार्ड का नंबर डाल दो, पाकिस्तान का। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट करने के बाद यहां पे आपको ये एड्रेस चूज करता है, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद फिर नेक्स्ट, उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ये भी हमारे पास यूनाइटेड किंगडम आ जाएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे हमारा फुल नाम जो कि हम मोहम्मद हवान के हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट। अब हमें वो कहेगा कि अपने एड्रेस को जो है वो टिक करो, आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड एड्रेस, दिस एड्रेस इज वैलिड, ये हमने कंफर्म किया, नेक्स्ट किया, फिर वही डिटेल आएंगी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, उसके बाद फिर नेक्स्ट। अब हमारा फेसबुक टैक्स फॉर्म बन आ गया, हमारा टैक्स फॉर्म बन गया जिसके अंदर हमारी डिटेल है, खुद ब खुद फेसबुक ने बना दिया टैक्स फॉर्म। उसके बाद हमें सबमिट फॉर्म करना है, तो अभी वो फेसबुक हमें कहेगा कि योर टैक्स इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट, योर टैक्स इंफॉर्मेशन हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड, ये नाम है, ये चीजें हैं, ये मेरा टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, डन, हमारा पेपर डन गया। पेपर इसको हम बाद में जाकर बैंक कभी चेंज करेंगे, ये हम पेपर से डन करना है, डन के अंदर जाके आपने सबमिट फॉर रिव्यू करना है, आपका जो है वो पेज अप्लाई हो जाएगा। आप थोड़ा सा आ जाते हैं वॉल्यूशन, अभी मैं बाहर आ गया, पहले मैं ये आर्टिकल में था, अब मैं ये बाहर आ गया। सर जब ये सबमिट कर देते हैं उसके बाद पे आउट तो बन जाता है, लेकिन दोबारा सेटअप आ जाता है, पेमेंट टाइम नहीं होता, कौन सी कंट्री, इंग्लैंड से, इंडिया, इंडिया से अप्रूव तो होना चाहिए, क्योंकि आज कल इतना ढेर लगा मार्केट में कि अप्रूव पेज 12 बार आ गया भाई, मिल रहा है कि इतना पेज अप्रूव हो रहा है, बट वो डिसेबल हो गया था साथ में लगते ही, फिर मैंने यूएस का लगाया तो फिर वो जो है मैं दोबारा सेटअप पे और बना हुआ पे और पे दिखा रहे, लेकिन दोबारा प्रकाश प्रकाश से के पानी इन रिव्यू में दोबारा सेटअप पे आने का भी उसको अप्लाई करना, दोबारा से अप्लाई आप करते हो, फिर नया पे और बनाता हूं पे और बन जाते हैं, फिर आप ये देखो क्योंकि सम टाइम्स ये इशू आ जाता है, और समटाइम्स ये इशू वही भाई वाली बात पे आता है कि जिस कंट्री का अकाउंट है उस कंट्री का अगर आप पे आउट बनाओ, इंडिया का ही अकाउंट है, इंडिया भी पेपाल भी ट्राई किया, इंडिया बैंक भी ट्राई, फेसबुक अकाउंट का, फेसबुक भी इंडिया, फेसबुक भी इंडिया का, आरटीपी भी इंडिया, आरटीपी भी इंडिया, थोड़ा चेंज कर ली शायद, इंडिया से भी मैंने वो अपने फ्रेंड को दिया, उसने भी ट्राई किया, उसका भी ऐसे ही आ रहा है, वही बैंक था
दिया कि कंट्री चेंज करके देख देखें नहीं हो रहा आपके पेज में फिर मुझे दे दे हो जाएगा मैं दे उसको आपके पास है तो दिखा दे जो पेज आप अप्लाई करते हो और अप्रूव नहीं होता तो उसके ऊपर आप गेमिंग करके उसका एलओसी रिमूव करते हो और रिमूव जैसे ही एलओसी रिमूव हो जाता है वैसे ही आप उसको दोबारा से सेटअप करते हो और वो ऑन स्पॉट अप्रूव होता है तो जाया नहीं है पेज उसकी आप और वो एलओसी भी इजीली 7 दिन गेमिंग करो सारा कंटेंट डिलीट करके 7 दिन गेमिंग करो गेमिंग के अंदर कोशिश ये करो कि फेस कैम हो ये चीजें हो तो अच्छा जब आप फेसबुक में मोनेटाइजेशन की पॉलिसी इशू पे जाते हो तो फिर आपको वायलेशन शो करता है जिसमें सबसे पहली वायलेशन हमें जो देखनी है वो है इन यहां पे फेसबुक कहता है कि दिस पेज इज इन अ कंट्री दैट कैन नॉट मोनेटाइज विद इंस्ट्रीम एड्स यहां पे इंस्ट्रीम एड्स का क्या है यू हैव लॉस्ट एबिलिटी टू अर्न मनी फ्रॉम इंस्ट्रीम एड्स एनी अपडेट्स फॉर टू योर इंस्ट्रीम एड्स स्टेटस कैन बी पोस्टेड हियर तो यहां पे सीधा सीधा इसका रीजन क्या है पाकिस्तानी आईडी एज एडमिन एडिटर पाकिस्तानी आईडी किसी भी रोल के ऊपर अगर होगी चाहे वो एडमिन है चाहे वो एडिटर है किसी भी रोल पे अगर पाकिस्तानी आईडी होगी तब भी आपको इन कंट्री आ सकता है या अगर आपके पे आउट के साथ पाकिस्तानी बैंक अटैच हो तब भी आ सकता है पाकिस्तानी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम जो हैं वो पाकिस्तान से हैं इनएलिजिबल कंट्री कोई भी हो सकती है वो ओमान भी हो सकती है वो अफगानिस्तान भी हो सकती है काफी ज्यादा कंट्रीज हैं वो भी फेसबुक की लिस्ट में ऐड नहीं है तो ये सभी के साथ भी जाता है कि इनएलिजिबल कंट्री की फलानी कंट्री जो है वो फेसबुक की लिस्ट में नहीं है तो ये इजीली रिमूव हो जाती है जब आप पाकिस्तानी आईडी अगर एडमिन एडिटर में हो उसको रिमूव कर दो वो विद इन 24 आवर्स आपका पेज सेट हो जाता है या अगर आप पाकिस्तानी बैंक चेंज करके बाय में हो तो आपका पेज सेट हो जाता है तो पहली चीज तो हमारे पास आ गई इलिजिबल कंट्री दूसरी चीज हमारे पास आ गई लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट या एलओसी इसके दो रीजंस होते हैं
तो इसके दो रीजंस होते हैं, एक अनओरिजिनल कंटेंट या दूसरा एग्रेसिव शेयर। या आप जब आप नॉन ओरिजिनल कंटेंट फेसबुक के ऊपर डालते हो ज्यादा तादाद में, फेसबुक डिटेक्ट कर ले तब भी आपको एसओसी आ जाता है, नॉन ओरिजिनल का कंटेंट आ जाता है। और दूसरा एग्रेसिव शेयरिंग पे भी आ जाता है कि फॉर एग्जांपल आपका कंटेंट तो ओरिजिनल है लेकिन आप उसके ऊपर एग्रेसिव शेयरिंग दे रहे हो तो वो भी मसला है, और उस केस में भी फेसबुक आपको एसओसी दे देता है। हम भी कुछ पेजेस होते हैं 1 घंटे मतलब वीडियो अपलोड कर लिए 1 घंटे आप उसको बल्क शेयरिंग दे देते हैं 12 के 15 के। तो वही है एसओसी जो है ये फॉरेन से नहीं आता, इसमें भी फेसबुक 2-3-4-5 दिन उसको समझते समझते लग जाते हैं, वो टाइम बाद आता है, वो 2-4-5 दिन में पूरी गेम डाल के पैसे निकाल के साइड हो जाते हैं। इंडिया कंट्री रिमूव नहीं हो रहा, बैंक कौन सा लगा हुआ है? इंडिया का लगा हुआ है, दुबई का लगा हुआ है। अब जहां तक मुझे मसला आ रहा है आपके पिछले मसाइल को देख के, क्या कि इंडियन आईडी में भी मसला आपके दुबई वाली आईडी में? दुबई वाली आईडी किसी और को, किसी और के वो वहां पे फोन में यूज करता है पीसी या फोन पे करता है, पीसी में भी लॉगिन है फोन में भी, पर शायद इंडिया वाली आईडी। आप पेज को बिजनेस मैनेजर के अंदर डालो, सब कुछ रिमूव करके मेरी आईडी डालो, क्योंकि जो आईडी वेरीफाई लोकेशन वेरीफाइड होगी वो ये आईडी आपको दूंगा, आप उसके अंदर ऐड कर देना, बाकी सारे ऐड रिमूव कर देना, बिजनेस मैनेजर के अंदर रहे लेकिन पेज का ऊपर मेरी आईडी के अलावा कोई और एडमिन ना हो, और उसका पे आउट भी दिखा देना। ये तो बिजनेस अब यहाँ पे दो तरह की केसेस होते हैं एलओसी, एक येलो आता है और एक रेड आता है। येलो एलओसी का मतलब होता है वार्निंग, वार्निंग से मुराद मोनेटाइज के ऊपर इसका सॉल्यूशन थोड़ा डिफरेंट है। नॉन मोनेटाइज तो 7 दिन गेमिंग, 8 दिन, 9 दिन हट जाता है, इजीली हट जाता है। मोनेटाइज के ऊपर थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत मांगता है। अब यहाँ पे मेहनत बंदा उसी पेज के ऊपर करे जो पेज जरा दिल के करीब हो। दिल के करीब से मुराद कोई ऐसा पेज जिसका 1 लाख फॉलोअर हो, 2 लाख फॉलोअर हो, उस पर मेहनत करता बंदा अच्छा भी लगता है। अभी नया पेज बनाया, उस पर रेड एलओसी आ गया, अब मेहनत कर रहे हैं उसको रेड एलओसी रिमूव करने में। जितनी मेहनत आप वो रेड एलओसी रिमूव करने में करोगे उतनी देर में आप शायद 2 और फिर नए पेज बना सकते, ठीक है? तो मेहनत भी 30 डेज ओरिजिनल कंटेंट डेली बेसिस पर डालना मेहनत वाला काम है, लेकिन कुछ पेजेस ऐसे होते हैं जो दिल के बड़े करीब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिनको कहते हैं छक्का पेज, एक पेज आया छक्का मारा $8,000 $10,000 उसे बनाए, 1 लाख फॉलोअर 2 लाख फॉलोअर हुए, पेज रेड हो गया। अब उसका तो दिल खाता है ना, हमें भी चाहिए दोबारा से ग्रीन हो जाए, दोबारा से जो है वहाँ इसके ऊपर काम करें, दोबारा से अच्छा बन जाए, उसके ऊपर आप मुझे मेहनत करो। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं यार जो बारिश आती है
लेंथ कुछ बंदे जो है वो 8-8 घंटे की स्ट्रीम करते हैं उनका भी चला जाता है, कुछ 1-1-2-2 घंटे की स्ट्रीम करते हैं उनका भी। ओरिजिनल कंटेंट अगर आप डाल रहे हैं तो कम से कम 8-10 मिनट की वीडियो हो। ये पेज के ऊपर आता है, अगर वीडियो पर स्ट्राइक पड़ेगी तो पेज पे आएगा। यहाँ पे हमारे पास अभी पहली दो वॉल्यूशन हमने डिस्कस की, इनेबल कंट्री और लिमिटेड अल्टरनेटिव कंटेंट, दोनों अगर आ जाए तो पैसे मिल जाते हैं। इसके ऊपर भी पैसे जो है वो मिल जाते हैं, लेकिन केस थर्ड डिफरेंट अब इसको भी जो है वो कर लेते हैं। आपको अगर टेडी स्ट्राइक आया तो 7 डेज रेंट मोनेटाइज की भी हम बात करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोनेटाइज पेज, अगर आपको फर्स्ट स्ट्राइक आया तो 7 दिन के लिए पेज रेंट, विद इन 90 डेज का टाइम पीरियड चल रहा है, 90 दिन के अंदर अंदर अगर आपको दूसरी स्ट्राइक आई है तो पेज 30 डेज के लिए 12 से रन, मतलब 7 दिन 30 दिन पेज चलता है, फॉलोअर आते हैं, वीडियोस वायरल होती हैं, लेकिन पैसे नहीं बनते, डॉलर नहीं बनेंगे सिर्फ, बाकी सब कुछ चलेगा। और अभी भी अगर 90 डेज का टाइम पीरियड चल रहा है और उसी के अंदर आपको तीसरी स्ट्राइक आ गई है तो 90 डेज के लिए रेड। यहां पे आपको अगर पहली स्ट्राइक पड़े और 90 दिन गुजर जाए फिर पहली स्ट्राइक पड़े फिर वो पहली काउंट होगी। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक मर्तबा में आपके पेज पे अगर 20 वीडियोस थी और 20 के ऊपर स्ट्राइक पड़ी है तो एक स्ट्राइक काउंट होगी। पहली मर्तबा में चाहे आपका पूरा पेज खाली हो जाए वो स्ट्राइक एक काउंट होगी और वो 7 दिन के लिए। नॉन मोनेटाइज की और थोड़ी सख्ती ज्यादा है इसको लेकर, नॉन मोनेटाइज पे आप पेज को 90 दिन के लिए 90 डेज के लिए आप पेज को अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बात रह जाती है पैसों की। एक फॉर एग्जांपल वीडियो थी, वीडियो के ऊपर $2,000 बने हुए थे और वीडियो के ऊपर स्ट्राइक पड़ गई, किसी ने स्ट्राइक मार दी चाहे वो फेक हो चाहे वो रियल हो, अब क्या उसके पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो इसके अंदर दो केसेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी वीडियो लगाई आपने, मैंने आपको स्ट्राइक मार दिया, आपने उस वीडियो पे $2,000 कमाया। अब मेरी वीडियो आपने लगाई, मैंने आपको स्ट्राइक मार दिया, वो $2,000 फेसबुक अपने पास होल्ड कर देगा, अभी ना आपको देगा ना मुझे देगा, फेसबुक अपने पास होल्ड कर लेगा और अब फेसबुक मेरा वेट करेगा कि क्या मैं उस अर्निंग को क्लेम करता हूँ कि नहीं करता। अगर मैं उस अर्निंग को क्लेम कर लूं तो वो पैसे मेरे पास आ जाते हैं, नहीं तो वो पैसे आपके पास से चले जाते हैं। तो काफी ज्यादा कंपनी ऐसी हैं जो कि पैसा क्लेम नहीं करती क्योंकि वो समझती हैं कि ये पैसा क्लेम करना इलीगल है, ये जो है ये किसी और का पैसा है और हम इसको क्लेम नहीं करें। हमें सोनी ने स्ट्राइक मारी, पैसे नहीं दिए। जी कलर्स ने स्ट्राइक मारी, पैसे दे दिए। WWE ने स्ट्राइक मारी, पैसे दे दिए। तो ये कुछ
आप 50-50 को लेके चलते हो यही तो बात है कि कंटेंट की मशहूरी हो रही है लेकिन समटाइम्स कंटेंट उनसे भी ज्यादा मशहूर हो जाता है तो वो स्ट्राइक मार देते हैं स्ट्राइक आपको बहुत कम पड़ती है पड़ती है इस तरह को कंटेंट से लेकिन पड़ जाता है मसाला है चौथे नंबर पे मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन अगर आपके अकाउंट की क्वालिटी रेड है तो आपको ये आ सकती है और अगर आपको अकाउंट रिमूव कर दो हट जाएगी अकाउंट क्वालिटी चेक करने के लिए प्रोफाइल के ऊपर आप जाते हो तीन डॉट्स होते हैं तीन डॉट्स पर क्लिक करते हो वहां पे आपको अकाउंट क्वालिटी शो कर रहा होता है फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं फॉर एग्जांपल ये अकाउंट है तुम्हारे यहां पे हमारे पास जो है वो अकाउंट स्टेटस आ रहा होता है और इसके साथ अकाउंट्स डिस्क्रिप्शन भी शो है यहाँ पे हमारे पास कोई वॉल्यूशन नहीं है कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है जिसकी वजह से हमने इसके अंदर मॉडरेटर का आप वैसे ही आप इधर से पेज खोलोगे आपको आ जाएगी समझ अक्सर यहाँ पे जैसे ही आगे खोलते हो यहाँ पे लिखा जाता है कि यू कांट पोस्ट ऑन योर पेजेस प्लीज कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन आ गई है तो वो थोड़ा टाइम तो लेती है वहां पे लिखा होता है 3 दिन 7 दिन 30 दिन 90 दिन जितना बड़ा जुर्म होगा उतना बड़ा जो है आपका सजा होगी छोटा जुर्म छोटी सजा जुर्म होता है क्रिकेट कह लो 18+ कह लो आप फेसबुक अगर वो देख भी रहे हो तो वो देख तो आप उसी शूट प्रमोट कर रहे कमेंट लाइक कोई आप गाली निकाल दो किसी को पॉलिटिक्स होगी अब्यूज का कर दो किसी को ये चीज आप कर सकते हो आप यहाँ पे फेसबुक ने बड़ा इजी कर दिया किसी के अकाउंट के ऊपर ना वायलेशन भेजना किसी के अकाउंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भेजना फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास कोई फॉर एग्जांपल अभी फ्रेंड लिस्ट में कोई अगर ऐसा बंदा हो मैं आपको दिखाऊं ये तो मुझे फ्रेंड अच्छा तो यहाँ पे हमारे पास फेसबुक ने बड़ा आसान कर दिया है ये ट्रेंड अफॉर्डेबल यहाँ पे कुछ लोग आपने देखे होंगे फेसबुक के ऊपर किसी ने डीपी के ऊपर मार्क ज़करबर्ग लगाया हुआ है किसी ने एलन मस्क लगाया हुआ है वो एलन मस्क लगा के पता नहीं क्या समझते हैं कि हम एलन मस्क लगाने के बाद जो है तो ये चीज जो है वो फेसबुक ने सारा सब खत्म कर दिए कि आप डीपी के ऊपर किसी और की तस्वीर नहीं लगा सकते तो आप इजीली उसका अकाउंट भी उड़ा सकते हो उसके अकाउंट के ऊपर स्ट्राइक भी भेज सकते हो ये चीजें आप कर सकते हो सिंपली आप प्रोफाइल खोलते हो प्रोफाइल खोलने के बाद यहाँ पे फेसबुक ने आपको फाइंड सपोर्ट और रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है उसके बाद यहाँ पे
fake pretending to be someone else. A celebrity यहाँ पे for example आपने उसका नाम लिख देना है फेक को भी ठीक उसी टाइम बता दें फैक्ट आज तो उसका आपको बताऊंगा ये सारा हो ये फेक अकाउंट जो है जो पहले से मंगवाते हैं उसका पांचवी पॉलिशन हमारे पास इस वायलेशन के पैसे नहीं मिलते रीजन इसका अब यहाँ पे हमारे पास इसके दो रीजन आते हैं पहला रीजन है बैंक स्पैम का दूसरा रीजन है हमारे पास सस्पिशियस एक्टिविटी इन पेआउट अगर पेआउट के अंदर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो वो भी इसी का अंदर आता है सबसे पहले बैंक स्पैम की बात कर लेते हैं कि बैंक स्पैम क्या होता है क्योंकि कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन का मतलब यही है कि आपका पेज किसी ऐसी एंटिटी के साथ कनेक्टेड है जो कि फेसबुक की टर्म्स को वायलेट कर रहा है अब ऐसी एंटिटी क्या है ऐसी एंटिटी हमारा पेआउट है तो ये कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन लिंक करती है हमारे पेआउट के साथ जो कि हमने पेज के साथ पेआउट बना के अटैच किया था उसके साथ लिंक करती है अब पहली चीज उसमें आती है बैंक स्पैम बैंक स्पैम आती है बैंक स्पैम क्या होता है बैंक स्पैम में होता है कि आप जो है वो किसी और फॉर एग्जांपल एक बैंक है जो कि आपने अपनी आईडी से एक मर्तबा लगा लिया है वो अगर दूसरे तीसरे चौथे बंदे बार बार अपनी आईडी से लगाए तो बैंक स्पैम है न्यू आईडी से उस बैंक में जाकर लगाओगे वो बैंक स्पैम हो जाएगा फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा यहां पे मैंने अपना ट्रांसराइज का अकाउंट खोल लिया मैंने कहा ये मेरा ट्रांसराइज का बैंक अकाउंट है आप सभी लगा लो आप सभी जाकर बैंक अकाउंट लगाओगे स्पैम है क्योंकि फेसबुक की पॉलिसी क्या आती है कि एक बैंक एक ही बंदा यूज करे एक ही आईडी पे एक आईडी पे भले आप 100 पेआउट के ऊपर बैंक लगा लो कोई नहीं लेकिन वही बैंक बार बार अगर आप दूसरी किसी आईडी से जाके लगाने की कोशिश करोगे तो स्पैम हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त मेरा कजन दुबई अब स्टार्ट में मैंने उसे बैंक लिया काम करने के लिए उसे बैंक लिया मैं उसका बैंक लगा काम करता रहा पैसे आना शुरू हो गए पैसे आस्ता आस्ता बढ़ते गए किसी महीने 5,000 दिरहम फिर अगले महीने 7,000 दिरहम फिर 10,000 दिरहम फिर 15,000 दिरहम उसने सोचा कि बड़ी गेम डाल रहा है मैं फेसबुक के ऊपर काम करूं वो फेसबुक के ऊपर काम करने के लिए गया उसने अपना ही बैंक लगाया उसका अपना बैंक खुद का बैंक लगाया अपनी आईडी से जाके लेकिन स्पैम हो गया क्यों क्योंकि फेसबुक की नजर में उस बैंक का मालिक मैं हूं क्योंकि मैंने पहली दफा को बैंक लगाया है तो ये फिनोमेना हमें समझना है दूसरे में हमारे पास आया था उसको उसका पे आउट पॉज हो जाएगा उसी टाइम आजकल जो पे आउट पॉज होते हैं ये भी रीजन एक होती है बैंक स्पैम की कि बैंक स्पैम होता है जैसे ही लगता है पे आउट पॉज वहां पे जहां पे पुराना लगा होगा वहां तक मेरे पास ऐसा पुराना लगा हुआ है जहां जब पुराना लगा है वहां मिल जाएगी लेकिन जहां मैं भी नया लगाने की ट्राई करूंगा वहां नए भी मेरे साथ इशू हो सकता है दूसरे नंबर पे हमारे पास आया था सस्पिशियस एक्टिविटी इन पे आउट मैंने आपको पे आउट का एडमिन बनाया आपने मुझे रिमूव कर दिया दिस इज सस्पिशियस इसकी वजह से पे आउट पॉज रहता है फॉर एग्जांपल जो अकाउंट हैक होते हैं
उन हैक अकाउंट में अगर आप पे आउट से जाके में पे आउट जाके कुछ मस्ती करो तो सस्पिशियस एक्टिविटी दिखा रहा है और होल्ड लगा जाता है फेसबुक कनेक्टेड आइडेंटिटी वाले से आ जाते हैं। अब ये सारी चीजें रिलेटेड है हमारे पे आउट के साथ। अभी हम पे आउट के अंदर जाने लगे हैं और पे आउट के अंदर जाके समझेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो हमने पे आउट के अंदर समझनी है, क्या क्या गलतियां हैं जो कि हमने पे आउट के अंदर नहीं करनी। अब सबसे पहली चीज जो हमने समझनी है पेआउट्स के अंदर वो ये समझनी है कि डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड अर्निंग्स एंड फाइनलाइज्ड अर्निंग्स। हमने पेज मोनेटाइज कर लिया, पैसे भी कमा लिए, अब पैसों को सेफली हमने बैंक अकाउंट तक कैसे पहुंचाना है अब हम वो डिस्कस करने लगे हैं पेआउट्स में जाके। इसमें सबसे पहली चीज हमें समझनी है डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड अर्निंग्स एंड फाइनलाइज्ड अर्निंग्स। एस्टिमेटेड अर्निंग्स वो होती हैं जो कि आपको क्रिएटर स्टूडियो के अंदर शो हो रही होंगी और फाइनलाइज्ड अर्निंग्स वो होती हैं जो आपको पेआउट में शो होती हैं। एस्टिमेटेड अर्निंग्स आपके फाइनलाइज्ड पेआउट से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो एस्टिमेटेड है। आपको क्रिएटर स्टूडियो में अर्निंग्स वाले टैब में जो जो अर्निंग शो करेगा वो सारी एस्टिमेटेड है। आपको फाइनलाइज अर्निंग जो है वो इनवॉइस के ऊपर शो करता है और इनवॉइस फॉर एग्जांपल अभी ये अक्टूबर का महीना है तो 1 से लेकर 30 अक्टूबर तक 31 अक्टूबर तक जो भी काम होगा वो 6 से 8 नवंबर के बीच में उसकी इनवॉइस बनेगी, वो फाइनलाइज होगा। और वो फाइनलाइज होकर कहां पे जाएगा? वो जाएगा हमारे पेआउट के अंदर। यहाँ पे आपको ये अर्निंग्स वाले टैब के अंदर आपको ला के दिखाएगा कि भाई आपके पिछले महीने के इतने पैसे जो हैं वो फाइनलाइज हैं और यही पैसे जो हैं वो आपको 21 तारीख को मिलेंगे। तो पेआउट्स के अंदर आपको अर्निंग्स वाले टैब के अंदर आपको इनवॉइस नजर आएगी। तो हम यहाँ पे उसके बाद इनवॉइस के बाद डेट कौन सी है? ये डेट है हमारे पास 21st ऑफ सितंबर। 21 तारीख को रिलीज हुई थी, आज 25 तारीख है तो आज बैंक अकाउंट्स में भी डेट अभी वो है ना बड़े वाली थी अपनी दो क्लासेस के बाद। जब पेड हो जाएंगे तो फॉर एग्जाम्पल ये 21 तारीख को भी होता है, ये 19 तारीख को भी होता है, ये 22 तारीख को भी होता है। तो ये भी आपने माइंड में रखना है कि 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक 22 तारीख तक किसी भी दिन ये पेड हो सकता है। आप इनवॉइस डाउनलोड करने के लिए यहाँ से जाते हो, यहाँ पे डाउनलोड का बटन आपको मिलता है, डाउनलोड के बटन के ऊपर आप क्लिक करते हो, यहाँ से आप जितने भी महीने की इनवॉइस डाउनलोड करनी है आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ये इनवॉइस आ रही है, इसको आप डाउनलोड करते हो तो आपके पास इनवॉइस डाउनलोड हो जाती है। इसको आप अपने पास सेव भी रख सकते हो, बैंक अकाउंट बनाना हो इसके बेस पे बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हो, जो काम करना हो वो आप। Yeah, I'm going to go to the next one.
इनवॉइस और इसके अंदर फर्क होता है। रेमिटेंस के अंदर इनवॉइस नहीं, ये बैंक के हिसाब से होती है। अगर आप यूके का बैंक लगाओ अच्छा, ये आपकी होती है ये वाइस, जहाँ पे आपका सप्लायर आपका नाम होता है, उसके बाद कस्टमर का नाम होता है, उसके बाद आप पास बताता है कि ये कितने आते हैं, जो कैबिनेट है, और ये वाइस होती है। यहाँ पे एंड पे जो है आपका करेंसी यूएसडी सब टोटल करके बैंक का डाल के वापस देता, तो ये होती है इनवॉइस। अब इनवॉइस के बाद जब पेड हो जाती है 21 तारीख को, तो एक होती है रेमिटेंस। रेमिटेंस क्या होता है? प्रूफ ऑफ पेमेंट होता है। अगर बैंक आपसे पूछे कि भाई प्रूफ दो कहां से पैसे आए हैं, तो उस केस में आप वो रेमिटेंस शो कर सकते हो। यहां पे हमारे पास जब आप यहाँ पे आप इसको डाउनलोड करते हो, और डाउनलोड करने के बाद आपको ये इस तरह का शूट करता है। ये रेमिटेंस यहाँ पे आपका ये 16 डिजिट का पेमेंट नंबर होता है, जिसके ऊपर ये पेमेंट जो है वो ट्रैक होती है, और बैंक को समझ आती है कि ये पेमेंट जो है वो आपकी है, और यही आपका प्रूफ ऑफ पेमेंट होता है। द फॉलोइंग पेमेंट हैज बीन रेमिटेड टू योर बैंक अकाउंट, कितने पैसे थे, ये करेंसी थी। ये कैसे डाउनलोड करें? ये भी उधर हमारे पास पे आउट के अंदर जो हम जाएंगे। पहले हमने यहाँ से डाउनलोड की थी, अभी से रेमिटेंस के लिए हम पहले हमने इधर से डाउनलोड की थी। रेमिटेंस के लिए हम पे आउट से डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे ये डाउनलोड करने का बटन है, और यहाँ पे भी जाके आपको हर महीने की। अब यहाँ पे अर्निंग सोर्सेज में दिखाता है कि इस पे आउट के साथ ये पेज आता है। अब इस पे आउट के अंदर दो पेजेस अटैच है। मिनिमम पे आउट जो होता है वो $100, मिनिमम पे आउट $100 का है। अगर दोनों पेजेस मिलाकर $50 कर रहे हैं, तो $100 पूरा हो जाता है, और इस एक पे आउट में अगर $100 हो जाए तो वो बैंक अकाउंट में रिलीज हो जाता है, इस पे आउट अटैच होता है। इस पे आउट के अंदर अगर 5 पेजेस हो तो 20-20-20 करके लिए अगर 100 हो रहा है तब भी वो रिलीज हो जाता है। एक पे आउट के अंदर लिमिट नहीं है कोई भी, लेकिन अगर काम डलता है किसी एक पे आउट को, तो सारे पेजेस पे काम डलता है। उसके बाद हम सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में हमें शो करता है हमारा बैंक। अब ये हमारा बैंक है। अब इसमें से दो चीजें समझने वाली है, ये टैक्स इंफॉर्मेशन का चक्कर पेज में जो भी हमने नया पे आउट बनाया उसके अंदर पेज खत्म कर दिया। अब आपको ये फॉर्म फिल करना नहीं पड़ता। अब इसके अंदर दो चीजें समझने वाली है, एक है बैंक अकाउंट, और दूसरा आपको पे आउट एडमिन। यहाँ पे अगर आपने पे आउट के अंदर कोई एडमिन ऐड करना है, तो आप इधर जाकर अपडेट करते हो, यहाँ से जाके नया एडमिन जो है उसके अंदर डाल देते हो। पे आउट से अगर आपने अपनी आईडी से पे आउट को निकालना है, रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो इधर से आप अपने आप को रिमूव करके पे आउट को हमारे से छोड़ देते हो। फेसबुक को बताते हैं कि इस पे आउट का कोई बारी वारिश नहीं है। अगर आपने अपनी आईडी से रिमूव करना है, तो ये पे आउट वारिश हो जाता है। यहाँ पे मसला तब आता है, इसके अंदर हम पाकिस्तानी एडमिन पे आउट के अंदर ऐड कर सकते। क्यों? रीजन ये है, पाकिस्तान के अंदर पे आउट बनते हैं। पाकिस्तान जो है वो स्टार से एलिजिबल है, पाकिस्तान जो है वो फैंस फेडरेशन से एलिजिबल है, पाकिस्तान लेवल अप से एलिजिबल है, पाकिस्तान इन टूल से एलिजिबल है। तो पाकिस्तान जब आप ये टूल अप्लाई करते हो, तो पाकिस्तान के अंदर पे आउट बनता है, और वो पैसे पाकिस्तानी बैंक में भी आते हैं। तो इसी जुगाड़ को हम इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी एडमिन पे आउट के अंदर भी रख सकते हैं, इधर हम पाकिस्तानी बैंक भी लगा सकते हैं,
लेकिन जैसे ही हम पाकिस्तानी बैंक लगाएंगे हमारा इंस्टी मैट्स का टूल बंद हो जाएगा पाकिस्तान। तो यहाँ पे लोग पाकिस्तानी बैंक कैसे यूज करते हैं कि पेज बनाया काम किया रेड हुआ लिमिटर ऑर्डर कंटेंट आ गया उसे पाकिस्तानी बैंक लगा दिया बैंक लगाया तो क्या आएगा इंडियन कैपिटल आएगा कि दोनों वैल्यूएशन के बाद जो पैसे देता है वो पैसे सेफली पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन इस चीज को ध्यान रखना है 10 डे होल्ड विल प्लेस ऑन इट योर अकाउंट योर वीडियो के ऑन दैट शेड्यूल पेयर कैन बी डिलेड। फेसबुक कहता है कि 10 दिन का होल्ड लगेगा अगर आप अपना पेयर मेथड चेंज करोगे अपना बैंक चेंज करोगे ये अगर बैंक चेंज कर दें तो बैंक वगैरह रिसीव हो जाएगा नहीं अगर आप अपनी मेन आईडी से कर रहे हो तो मसला नहीं आता। अगर आप फ्रेश एडमिन बने और फ्रेश एडमिन बनने के बाद कुछ चेंज कर रहे हो तो मसला सर अगर मेथड ट्रेन करना है तो किस तारीख को करना चाहिए वही बताने लगा हूं। देखा 10 डे होल्ड विल प्लेस 10 दिन का सोच के हमेशा बैंक चेंज करना है और जब 21 को रिलीज होती है पेमेंट तो 21 से 10 दिन का 6-7 का कर दो सेफ साइड में रहने के लिए 6-7 से तो ये पेमेंट जो है वो आपकी नहीं पिछला बैंक लगा होगा उसके अगर आपने ये 21 तारीख से 10 दिन का गैप उसको ज़ेहन में रखते हुए और जब आप 12 तारीख को चेंज किया 12 को बैंक चेंज किया अब उसका होल्ड खत्म होगा 22 को 21 तारीख को जो पेमेंट रिलीज होगी फेसबुक टेक पेमेंट तो रिलीज करनी है पहले था कि नहीं करता था उसको अगले साइकिल में भेज देता था लेकिन अब यही करता है कि पुराना जो बैंक लगा था उसमें आप ये हमेशा ज़हन में रखें कि अगर पैसे कमा रही हैं तो ये चीज भी ज़हन में रखें बैंक भी जो है करना है जिस बैंक में पैसे कमा रहे हैं और 10 दिन का गैप ज़हन में रख के बैंक को जो है सर ने पेपर लगाया है इनवॉइस बन गया ठीक है हम साथ ही बैंक चेंज कर लिया पेपर लगाया है जी इनवॉइस बन गया तो बैंक चेंज कर पेपर है और पेपर इनवॉइस आपकी 6-7 तारीख तक किया इनवॉइस बनने के बाद भी बैंक चेंज कर सकते हो लेकिन ज्यादा लेट नहीं करना बैंक तो सिंपल इनवॉइस से पहले मतलब 10 तारीख से पहले कर इनवॉइस पहले कर सकते इनवॉइस पहले भी कर सकते हो आप किसी भी दिन कर सकते जब तक बैंक चेंज नहीं होगा अगर आप नई आईडी ऐड करके उसे जाके बैंक चेंज करोगे ये फिर मुझे लगता है कि आपकी सारी आईडी ये जो ऐसे ऐसे इश्यूज में आ रहे हैं ना ये बड़े स्ट्रेन इश्यूज है सारे काम करते हैं सारे हर महीने बैंक चेंज करते हैं किसी का बैंक जो है वो किसी का पे आउट जो है डिसेबल होता है शायद वो जो दो अकाउंट जो आपने पुराने में बड़े में आईडिया के और सबसे बेस वो भाई जो डिसेबल होने के बाद रहेगा अपना पेज पे एक और चीज ये अच्छा भाई पे आउट डिसेबल होने के बाद उसे पैसे देने चांस हां बस अच्छा कुछ सर पे आउट और ये पे आउट क्लॉज होता है इसमें 90% केसेस में फेसबुक कहता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वेरीफाई करो अगर कोई कंपनी है तो उसकी यूटिलिटी बिल दिखाओ अपने फोन नंबर का बिल दिखाओ अपने ये सारी चीजें दिखाओ अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाओ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वेरीफाई करो आपके डेबिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड है उन सब के बिल लेके आओ लेकिन ये चीजें हमारे पास नहीं होती तो काफी ज्यादा इंडिविजुअल हो इंडिविजुअल में ही ये सारी चीजें
बाकी अगली वाली जो क्लास है वो पोजीशन कंटेंट में बेस्ड है बिजनेस और खाना जो है वो खत्म हो रहा है क्लास हो आए सारे खाना